हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पावर जनरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चंस शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों, पावर जनरेशन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है थ्योरी बेसिस, इससे आप अपना CGPA SGPA और रिजल्ट को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। दोस्तों, पावर जनरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने फोर्थ सेमेस्टर में पावर सिस्टम में और थर्ड सेमेस्टर में एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग EEES में आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों, उसमें आपके हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पावर जनरेशन में कवर हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन ब्रीफली है तो वो आप पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों, आप इसकी सहायता से अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में पावर जनरेशन का कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इसी के साथ हाइड्रोलिक पावर प्लांट पूरी यूनिट में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपका सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट हो या फिर दोस्तों थर्मल पावर प्लांट हो या फिर कोई भी प्लांट हो, इसमें आपका मेनली डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मेन कंपोनेंट ही पूछा जाता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में आपका साइट सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको डायग्राम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, साइट सिलेक्शन, मेन कंपोनेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ये पांच टॉपिक हाइड्रो पावर प्लांट से तैयार करने हैं। इसके बाद दोस्तों, सेकेंड नंबर पर आता है हमारा टर्बाइन, वाटर टर्बाइन, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है। दोस्तों, आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल और यूजेस पहले करना है और कंपेयर कभी कभी पूछता है, जैसे कि पेल्टन हिल टर्बाइन विद फ्रांसिस टर्बाइन कंपेयर बताइए। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। तीसरा टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पीक लोड पावर प्लांट और बेस लोड पावर प्लांट। इसमें दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन भी लिखनी आ सकती है, यानी कि एक्सप्लेन अबाउट पीक लोड एंड बेस लोड, और कभी कभी डिफरेंस भी आता है। तो दोस्तों, आप डिफरेंस कर लेंगे तो आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में अंतर पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। ये दोस्तों आपको मैंने बताया है कि कभी कभी एक्सप्लेन ऑल अबाउट भी पूछ लेता है। तो अगर आप डिफरेंस याद करेंगे तो आपके दो टॉपिक तैयार हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा। अब दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन। इसमें हाइड्रोलॉजी जो रहता है, हाइड्रोलॉजी के अंदर आपके कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोग्राफ हो गया, फ्लो ड्यूरेशन कर्व हो गया और मास कर्व हो गया। ये दोस्तों तीनों कर्व में से कभी ना कभी एक पूछ लेता है, कभी कभी मास ड्यूरेशन कर्व और फ्लो ड्यूरेशन कर्व एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है, जो कि 7 नंबर का रहता है। तो अगर आप इन तीनों को कर लेते हैं तो कोई भी आया तो आप पे बन ही जाएगा। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर 4 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अब जब आप हाइड्रो पावर प्लांट के मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसी के साथ आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे, आपका सर्ज टैंक और पेन स्टोव। लेकिन दोस्तों, सर्ज टैंक कभी कभी इसके टाइप्स भी पूछ लेता है और एडवांटेज भी कुछ पूछ लेता है। वाटर टर्बाइन भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 में तैयार हो जाएगा और पेन स्टोव दोस्तों आप हाइड्रो पावर प्लांट में कर लेंगे। इसके बाद बचता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब। तो दोस्तों, ड्राफ्ट ट्यूब कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तैयार कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड की ओर। सेकंड यूनिट का नाम है थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों, पूरी यूनिट में सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के बारे में ही बात हुई है। तो दोस्तों, आप इसका लेआउट डायग्राम, वर्किंग मेन कंपोनेंट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, साथ के साथ साइट सिलेक्शन बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मिस मत करना। इन 5 टॉपिक को सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट में तैयार कर लेना, जिससे कि आपका 50% पार्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका एक्सप्लेन जरूर लिखा है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट नोट में भी दे सकता है और लॉन्ग नोट में भी दे सकता है। तो दोस्तों, आपको मीडियम याद करना है, जिससे कि आप शॉर्ट भी बना पाओ और लॉन्ग भी बना पाओ। तो इसमें आपका कभी कभी नोजल और नोजल के प्रकार पूछ लेता है। इसके बाद आपका इकोनोमाइजर दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफिशिएंसी इंक्रीज करने की कुछ मेथड है जो कि आपके लिए तैयार करना है। कंडेंसर भी दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन दोस्तों सुपर हीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायग्राम के साथ इसको कूलिंग टावर, साथ के साथ कोल हेल्डिंग प्लांट को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर सेकेंड यूनिट कम्प्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 3rd यूनिट की तरफ। दोस्तों, आपका फर्स्ट यूनिट पूरा हाइड्रो पावर प्लांट पर बेस है और सेकेंड यूनिट पूरा थर्मल पावर प्लांट पर बेस है। अब आपके आते हैं कुछ छोटे छोटे पावर प्लांट, जैसे कि आपका सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, इसके बाद आपका जियो थर्मल और दोस्तों इसी के साथ कुछ गैस टरबाइन वगैरह, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन आपका हाइड्रो पावर प्लांट
और थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को प्रायोरिटी देकर दोनों यूनिट सबसे पहले कर लेना। दोस्तों थर्ड यूनिट में आपके लिए तीन पार्ट देखने को मिलेंगे, इनडायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, इसके बाद आपका डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम और थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम। जिसमें से दोस्तों आपका थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम में MHD नाम से एक सिस्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उसके लिए। और इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में आपके दो पावर प्लांट हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट और बायोमास पावर प्लांट, जिसमें से आपका जियोथर्मल ही मोस्टली टाइम पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देख सकते हैं, टॉपिक नंबर फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डायग्राम, क्लासिफिकेशन, वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आपको किसी भी पावर प्लांट का सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें बायोमास भी है लेकिन बायोमास कभी पूछा नहीं गया है, इसलिए हमने ओनली इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में जियोथर्मल पावर प्लांट को ही रखा है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम, इसमें आपका दोस्तों सोलर पावर प्लांट है, इसकी आपको वर्किंग डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसी के साथ सोलर सेल है। व्हाट इज सोलर सेल, वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम और एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तीन क्वेश्चन आपके लिए सोलर सेल से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट है सोलर सेल। टॉपिक नंबर 4 विंड पावर। दोस्तों विंड पावर ही आपका डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसका भी दोस्तों आपको वर्किंग एक्सप्लेन विंड मील, ये दोस्तों इसमें कभी कभी एक अलग से टॉपिक पूछ लेता है, एक्सप्लेन विंड मील्स ऑल्सो इट्स टाइप, कभी कभी इसके दोस्तों अलग से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन अलग से तैयार कर लेना है, साइट सिलेक्शन, डायग्राम एंड मेन एलिमेंट्स। यूनिट नंबर 3 में थर्ड पार्ट आता है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि MHD पावर जनरेशन सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, थर्ड यूनिट में से अगर कुछ नहीं करना है तो कुछ मत करना, लेकिन MHD पावर जनरेशन को मत छोड़ना। इसका टाइप्स, प्रिंसिपल और डायग्राम, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, और ये एक्सप्लेन जो लिखा हुआ है MHD पावर जनरेशन वोटेज करके कभी कभी आ जाता है, बाकी एक ही क्वेश्चन में ये 3 से 4 चीज़ रख देता है। अभी आपका सोलर पावर प्लांट में एक क्वेश्चन बचा हुआ था, सोलर कलेक्टर ऑल्सो इट्स टाइप। दोस्तों ये सोलर कलेक्टर भी शॉर्ट नोट्स में या फिर कभी कभी लॉन्ग नोट्स में पूछ लेता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर, क्योंकि दोस्तों यूनिट नंबर 4 थोड़ा बड़ा है और यूनिट नंबर 5 में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछ लेता है। यूनिट नंबर 5 के स्टार्टिंग में ही आपका जो है फिक्स्ड कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट, जो कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाता है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तैयार कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है सेकंड और थर्ड, एक ही क्वेश्चन है, इसको अलग अलग इसलिए लिखा है कि ये कभी कभी अलग अलग पार्ट में पूछ लेता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन इन पावर जनरेशन, और इसकी तीन मेथड हैं, जो आपको थर्ड वाली दिख रही है जो कि 3 स्टार मार्क्स लगे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम पूछी गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये ऊपर की 2 छोड़ना हो तो ये छोड़ के थर्ड वाली कर सकते हैं, बाकी दोस्तों अगर आपको 3 करना हो तो और ही अच्छा है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैरिफ एंड इट्स टाइप। दोस्तों ये क्वेश्चन और बाकी के ऊपर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फिफ्थ वाला, इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। और जो आपका 6th क्वेश्चन है, इसके अंदर व्हाट डू यू मीन करके ये कुछ टॉपिक्स दे देता है, और जो 6th में फिफ्थ वाला है ये आप पावर सिस्टम में पढ़ चुके होंगे, तो दोस्तों ये आपको याद भी होगा, इसको बस रिवीजन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूनिट नंबर 5 का, इसके ऑल क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 4th का नाम है आपका गैस टरबाइन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, गैस टरबाइन और न्यूक्लियर पावर प्लांट, पूरा चैप्टर इन दोनों पर ही बेस्ड है। तो ये आप गैस पावर प्लांट जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और थर्ड क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके मेन कंपोनेंट, डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। गैस टरबाइन पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 2 क्वेश्चन अगर आप तैयार करके चले गए तो 4th यूनिट में से आपका 50-70% पार्ट क्लियर हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो सेकंड नंबर पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, इसमें कभी कभी ऑल अबाउट भी पूछ लेता है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है विथ डायग्राम, इसको विथ डायग्राम आप याद कर लेना। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 5th वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मैटर भी बहुत कम है, आधे से एक पेज में बन जाएगा। इसके 7 नंबर मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4th और 6th में आपका शॉर्ट नोट्स है, 4th में आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो ये इसमें जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, नीड डायग्राम, ऑल पार्ट्स, वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट्स टाइप, इसे तैयार कर लेना।
और 6 नंबर पर शॉर्ट नोट्स दी आई है, तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पाँचों यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाएंगे, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम UR ID है parthpatel2.0, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, मैसेज कर देना, बहुत जल्द सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।